24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतिभाग करने के उद्देश्य से मंडल स्तरीय भोजपुरी लोक गायन सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन बौद्ध संग्रहालय के सभागार में किया गया, जिसमें मंडल के लोक गायक प्रतिभागियों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। जिसके संबंध में क्षेत्रीय प्रभारी सांस्कृतिक केंद्र डॉक्टर मनोज गौतम ने बताया कि लोक गायन प्रतियोगिता के लिए 19 दलों ने आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें 14 दल प्रतियोगिता हेतु पात्र पाए गए हैं, जिसमें दिनेश कुमार ने पचरा विधा में देवी गीत एवं देश गीत, मनोज कुमार ने बिरहा में गुरु गोरक्षनाथ पर भजन, अविनाश मौर्य ने लोकगीत व पचरा गीत, सुमित्रा देवी ने बिरहा में विवाह गीत, बजरंगी शर्मा ने मिर्जापुर एवं अवधि में गीत, शिव सागर ने विकास का गीत, शिव प्रसाद ने लाचारी विधा में गीत, हिना मौर्य ने पूर्वी विधा में नए वर्ष के आगमन का गीत और शीतल साहनी ने लोकगीत प्रस्तुत किया, जिसमें हिना मौर्य को प्रथम स्थान, राम अज्ञान को द्वितीय स्थान, अविनाश मौर्य को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि विजयी प्रतिभागी यूपी दिवस के दिन अपनी प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव, लोक गायक राकेश उपाध्याय, रामदरस लोक गायिका चेता सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय प्रभारी सांस्कृतिक केंद्र तथा राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने कहा, जा
मैं डॉक्टर मनोज कुमार गौतम, उप निदेशक राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। ये देखें, 24 से 26 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है, उसके लिए मंडल गोरखपुर में लोक गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जो इसमें से प्रथम प्रतियोगी आएंगे उनको उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुति करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। सर, यहाँ पे कितने लोगों ने अभी प्रतिभाग किया? 13 कुल दलों ने आवेदन किया था, जिनकी प्रस्तुतियाँ यहाँ पे कंपटीशन द्वारा मैंने की जा रही हैं, और चयनोपरांत ये लखनऊ में अपनी प्रस्तुति देंगे।